कितने कमाल की बात है ना, एक बार एक मिट्टी की मूर्ति बनाने वाले कलाकार ने भगवान से कहा कि हे भगवान, तू भी एक कलाकार है और मैं भी एक कलाकार हूँ। तूने मेरे जैसे अंगिनत गुड्डे बनाकर इस धरती पर भेजे और मैंने तेरे जैसे अंगिनत गुड्डे बनाकर इस धरती पर बेचे हैं। पर उस समय बड़ा अजीब लगता है जब तेरे बनाए हुए गुड्डे मेरे बनाए हुए गुड्डों के आगे सर झुकाते। दुनिया बनाई मैंने हाथों से, मोहब्बत में यारो मेरी बंदी कमाल कर गई, लिख के आई लव यू सेंड टू ऑल कर गई। अरे हेलो हेलो, सॉरी यार थोड़ा सा लेट हो गया, कैसे हो? अबे कहाँ था भाई तू? अरे यार थोड़ा सा जाम में फंस गया था। अरे यार क्या बनाने, बताओ तो स्टार्ट करते शूट। भाई देख मेरा कंटेंट ये है कि जेब खाली हो तब भी मैंने मना करते नहीं देखा, अपने पापा से अमीर मैंने इंसान नहीं देखा। अरे क्या बात है, क्या कंटेंट है, शूट स्टार्ट करो ना, आप करो ना शुरू। मैं तेरे खड़ा ऊपर, ठीक है तो उसकी शुरुआत तू ले ले यार। हाँ मैं ले लूंगा अपने हिसाब से, टेंशन मत ले। ठीक है चल एक्शन गो। यार भाई आज मेरे ऊपर कुछ बोल दे। अरे भैया मेरी बात तो सुनिए, आपके पैसे मैं लौटा दूंगा, थोड़ा सा तो वक्त दीजिए मुझे। नहीं नहीं पुलिस। अबे भाई मुझे एक बात बता, इतनी क्या दिक्कत वाली बात है यार, सिर्फ जो भी तो छूटी है तेरी, इतनी कौन सी टेंशन हो रखी है? हाँ भाई यही तो खासियत है बुरे वक्त की, जब आता है तो चारों जगह से आता है। भाई मतलब भाई इस बुरे वक्त में ना कुछ हार गई तकदीर, कुछ टूट गए सपने, कुछ गैरों ने किया बर्बाद और कुछ रूठ गए अपने। बाबा प्रणाम प्रणाम। बाबा प्रणाम प्रणाम। अरे बाबा उल्टे हाथ में खुजली हो रही है। मुबारक हो बच्चा, लक्ष्मी जी आने वाली है, पैसे का योग है। बाबा उल्टे पैर में भी खुजली होने लग गई। अरे ये तो और खुशी की बात है, यात्रा का योग है बच्चा, यात्रा का। बाबा पेट में भी खुजली हो रही है। अरे बच्चा क्या किस्मत लेके पैदा हुए हो, स्वादिष्ट भोजन का योग है, जाओ जाओ खाओ खाओ। बाबा गर्दन में भी खुजली हो रही है। बाबा साले खुजली की बीमारी है तुझे, चले यहाँ से। अरे बाबा ये गर्दन में भी खुजली हो रही है। और भाई तूने क्या दिया आज अपनी मैम को? भाई मैंने अपनी मैम को रोज दिया है। और आपने क्या दिया? मैंने तो प्रो मैक्स दिया है। बढ़िया बढ़िया, तू बता कहाँ से आ रहा है? भाई मैं तो रीना मैम को बॉल पेन दे के आ रहा हूँ। अच्छा जी क्या बात है। अच्छा एक बात बता, टीचर्स के लिए तेरा क्या नजरिया है? भाई मेरे हिसाब से टीचर्स ना बिल्कुल सड़क की तरह होती है, एकदम निस्वार्थ। वो कैसे? भाई वो जहाँ है वही रहती है, लेकिन दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुँचा ही देते हैं। तू ना जाने आस पास है खुदा, पानी 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 पानी। पागल हो क्या? बच्चों की तरह मस्ती कर रहे हो, बाहर आए हो, ध्यान नहीं रहता तुम्हें? भाई एक बात बोलूं, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना यूं समझ लो कि वो जबरदस्ती जिंदा है। उम्र के साथ